देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में मारना। नफरत और ध्रुवीकरण और चुनावी एजेंडा बनाना एक उनका मकसद है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र सरकार ने नागरिक संशोधन कानून यानी सीएए लागू कर दिया है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार शाम को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इसको लेकर समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। वहीं सीएए को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। इसको लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के जिम्मेदार अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। आप भी सुनिए डीजीपी प्रशांत कुमार क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। सीएए को लेकर ये संभावना व्यक्त की जा रही थी, इसको जल्दी सरकार लागू करेगी। इसको लेकर हम लोगों ने अभिहत तैयारियां की थी पहले से, और हमारे जितने भी फील्ड के अधिकारी हैं उनको इस संबंध में सेंसिटाइज कर दिया गया था, और उनकी लगातार सभी स्टेक होल्डर्स जैसे धार्मिक नेता हैं, पीस कमेटी के मेंबर्स हैं, डिजिटल वॉलंटियर्स हैं और सिविल डिफेंस के लोग हैं, उनके साथ लगातार वार्ता चल रही थी। और मैं पुनः यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि सीएए एक ऐसा रूल है जिसके साथ किसी के साथ कोई नागरिकता किसी की जानी नहीं, एक इनेबलिंग प्रोविजन है जिससे कि किसी को नागरिकता दी जाएगी, और वो ऐसे लोगों की जो हमारे पड़ोसी देशों से धार्मिक कारणों से परेशान होकर यहां आए, उनकी संख्या भी बहुत कम है और इसका व्यापक असर भी दिख रहा है। सभी धार्मिक नेताओं ने इस संबंध में अपनी पॉजिटिव टिप्पणी दी है और हम लोग लगातार एहतियात बरत रहे हैं, और जहां तक कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रश्न है, इसके लिए हम लोगों ने 179 कंपनी पीएसी, 100 कंपनी हमें सीएपीएफ भी मिली हुई है चुनाव के दृष्टिगत, उसका उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी तकनीकी संसाधन हैं, हमारे सीसीटीवी है, हमारे ड्रोन कैमरा हैं, हमारे बायनोकुलर्स हैं, अन्य जो तैयारियां एक संवेदनशील प्रकरण को डील करने की होती है वो चीजें हो रही हैं। सेक्टर स्कीम के तहत सभी लोग लगातार भ्रमणशील है, अभी तक कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो सशक्त एक टीम है फील्ड में मजिस्ट्रेट्स की, पुलिस अधिकारियों की, वो इस पूरे प्रकरण को लोगों के साथ मिल बैठ कर निपटा लेंगे और आने वाले समय में यहाँ किसी भी तरह की कानून व्यवस्था उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। ऐसे स्थान जहाँ पहले दिक्कतें हुई थी या कुछ जो संवेदनशील स्थान हम लोगों ने चिन्हित किए हैं या कुछ संवेदनशील और इस तरह के उपद्रवी तत्वों की पहचान भी हम लोगों ने की, उन पर लगातार और सतर्क दृष्टि है। हमारी डिप्लॉयमेंट जो फील्ड में है वो उसी के मद्देनजर है। कहीं से भी कोई व्यक्ति अगर गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा, आम जनता पे रूमर फैलाने की कोशिश करेगा, तो हम उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे, तथा साथ ही हमारे मुख्यालय तथा सभी फील्ड लेवल पे सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी राउंड द क्लॉक की जा रही है। 24 घंटे हमारे अधिकारी चीज़ों को देख रहे हैं। डीजीपी मुख्यालय स्तर से भी जो कंट्रोल रूम है इसमें एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।